हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कल्स के बारे में। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और खास तौर पर जो है छोटी क्लास के बच्चों के लिए, मतलब जो फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं उनके लिए खास तौर पर ये लेसन जो है वो तैयार किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले हमको ये समझना है कि बेसिकली सर्कल होता क्या है। देखिए, हम आमतौर पर हर गोल चीज को, किसी भी गोल चीज को, गोल शक्ल को जो है हम सर्कल बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की जुबान में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सेंटर के, इसकी सर्कल की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई सेंटर ले लिया जाए, एक फिक्स पॉइंट ले लिया जाए, तो उस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं, एक मखसूस नुक्ते से मखसूस फासले पर जितने पॉइंट्स होते हैं, वो सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है, जो मजमुआ होता है, उसको हम सर्कल बोलते हैं। एंड दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कल। एक मखसूस नुक्ते से, एक स्पेशल पॉइंट से, स्पेशल यानी मखसूस डिस्टेंस के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं, किस तरह की जो सर्कमफेरेंस के ऊपर रहेगी, तो ये सारे पॉइंट्स को मिलाकर सर्कल तैयार होगा, जिसका जो स्पेशल डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाएगा। जैसे सपोज ए बी, हमने यहां पर ए सेंटर ले लिए और बी जो है कोई पॉइंट ले लिए सर्कल के ऊपर, तो ए बी कहलाएगा रेडियस। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस। फिर उसके बाद हम एक और डेफिनेशन इसके अंदर देख सकते हैं, वो डेफिनेशन है अबाउट द कॉर्ड, जिसको उर्दू के अंदर वित्र कहा जाता है। कॉर्ड क्या होता है? देखिए, अगर आप सर्कल के ऊपर दो इंडिविजुअल, दो डिफरेंट पॉइंट्स अगर ले लें, जैसे पॉइंट डी और ई, ये दो अलग अलग पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर मौजूद है, अगर इन दोनों पॉइंट को मिला लिया जाए तो एक सेगमेंट तैयार होगा डी ई। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट कहलाएगा कॉर्ड, दैट इज कॉर्ड डी ई। तो इस तरह से दो डेफिनेशन हमने देखी है, पहली जो है रेडियस की, जो सेंटर को और सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाता है, दैट इज रेडियस। फिर हमने कॉर्ड की डेफिनेशन देखिए, जिसका मतलब होता है कि सर्कल के ऊपर जो अलग अलग पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को मिलाने वाला सेगमेंट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉर्ड। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे सामने आती है, दैट इज द डायमीटर। जैसे मैंने इस पॉइंट डी और पॉइंट एफ, एक पॉइंट मैंने ले लिया एफ, ये डी एफ ये कॉर्ड हो गया जो पॉइंट डी और एफ को जो है मिलाता है, लेकिन ये ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से गुजरता है, सर्कल का जो सेंटर है ए, इस सेंटर से गुजरता है, इसलिए कॉर्ड डी एफ जो है ये कहलाएगा डायमीटर, जिसको जो है पुत्र कहा जाता है, उर्दू के अंदर इसको पुत्र कहा जाता है। तो डायमीटर कहलाता है ऐसा कॉर्ड या ऐसा वित्र जो सेंटर से गुजरे, मरकज से गुजरे, वो डायमीटर कहलाता है। इस शक्ल के अंदर जो डीएफ है, दिस इज द डायमीटर। तो इस तरह से सर्कल से जुड़ी हुई जो बेसिक डेफिनेशंस है वो हमने देख ली। एक सेंटर होता है, उस सेंटर से स्पेशल डिस्टेंस पर सारे पॉइंट्स है, उनको मिलाने से सर्कल तैयार हुआ। जो स्पेशल डिस्टेंस है हमारा, कोई भी डिस्टेंस सेंटर से सर्कल तक का जितना डिस्टेंस है, दैट इज रेडियस। उसके बाद हमने देख लिए कि सर्कल के ऊपर दो डिफरेंट पॉइंट्स है, अलग अलग पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो किता है, जो सेगमेंट है, वो सेगमेंट कहलाएगा वित्र, अंग्रेजी में उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो कॉर्ड की डेफिनेशन देख ली। उसके बाद हमने देखे कि ऐसा वित्र जो मरकज से गुजरे, सेंटर से गुजरे, दैट कॉर्ड इज कॉल्ड द डायमीटर, उसको पुत्र कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ बेसिक डेफिनेशन हुई। उसके बाद हम देखते हैं अबाउट द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस जिसको उर्दू के अंदर जो है मुहित कहा जाता है, मुहित दायरे का मुहित या उसका सर्कमफेरेंस, मतलब ये कि उसकी जितनी बाउंड्री है, जो उसकी सरहद है, जो उसकी बॉर्डर है, उस बॉर्डर की टोटल लंबाई, उसकी टोटल लेंथ जो है वो कहलाता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दायरे का मुहित या दायरे का सर्कमफेरेंस। अब इसके स्पेशल फॉर्मूले भी है, लेकिन वो फॉर्मूला जो है वो बड़ी क्लास में आएगी आपको, लेकिन छोटी क्लास के अंदर अभी बच्चों को सिर्फ ये समझना जरूरी है कि सर्कमफेरेंस होता क्या है। सबसे पहले तो बेसिक चीज जो स्टूडेंट के माइंड में बैठना चाहिए वो चीज ये है
कि सर्कमफेरेंस का मतलब रहता है दायरे की या सर्कल की जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है उसकी टोटल लंबाई। अब देखिए जब हम किसी सर्कल के ऊपर दो इंडिविजुअल पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट और उनको मिलाने वाला जो सेगमेंट है वो सेगमेंट सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए हम देखते हैं इसको, फर्स्ट कीजिए हमने ये सर्कल ले लिए और इस सर्कल के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट हमने ए बी ले लिए। अब सीधी सी बात है कि ये दो दो डिफरेंट पॉइंट ए बी है, इनको मिलाने वाला जो सेगमेंट है वो सेगमेंट कहलाएगा कॉर्ड, और इस कॉर्ड ने इस सर्कल को दो पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया। इस कॉर्ड के ऊपर का पार्ट जो हमको आधे दायरे से कम दिख रहा है छोटा पार्ट, और इसके नीचे का पार्ट जो आधे दायरे से हाफ पार्ट से ज्यादा दिख रहा है, आधे से ज्यादा जो हमको दिख रहा है ये पार्ट, और ये पार्ट जो आधे से कम दिख रहा है ये पार्ट। इस तरह से इस एबी ने दो पार्ट के अंदर जो है डिवाइड कर दिया है। तो ऊपर का जो पार्ट है जिसके अंदर हम तीसरा पॉइंट अगर एक्स ले ले तो ये ए एक्स बी ये पूरे सर्कमफेरेंस का पूरी बाउंड्री का जो है एक हिस्सा है जो आधे दायरे से कम है हाफ सर्कल से कम है। तो अब इस ए एक्स बी को जो है ये कॉस कहा जाता है या आर्क कहा जाता है, आर्क ए एक्स बी। इस तरह से जो दायरे की लंबाई का एक हिस्सा होता है, टोटल लंबाई को तो हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं लेकिन उसकी लंबाई के एक हिस्से को जो है एक पार्ट को जो है हम आर्क कहते हैं, दैट इज ए एक्स बी। ये ए एक्स बी जो है वो निस्प दायरे से आधे दायरे से कम है इसलिए ऐसे आर्क को हम माइनर आर्क कहते हैं यानी छोटा आर्क। तो माइनर आर्क मतलब जो आधे दायरे से सेमी सर्कल से जो है वो कम हो, और जो सेमी सर्कल से यानी आधे दायरे से जो ज्यादा होता है उसको हम मेजर आर्क कहते हैं, मेजर आर्क। अब देखिए अगर हम मेजर आर्क को देखें तो नीचे का जो हिस्सा ये मेजर आर्क है, इस पर अगर हम कोई पॉइंट ले लें वाई तो इस तरह से आर्क बन जाता है मेजर आर्क, दैट इज ए वाई बी जो हमको मिला है। ए वाई बी ये मेजर आर्क हो गया और ए एक्स बी ये जो है वो माइनर आर्क यानी छोटा कॉस हो गया, छोटा कॉस यानी अजगर कॉस भी बोलते हैं उसको, और मेजर आर्क को जो है वो अकबर कॉस कहा जाता है। इस तरह से हमने कॉस की दो टाइप देख ली। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर सेंटर से कोई गुजरता है, सपोज कोई कॉर्ड कोई वृत्त जो है वो सेंटर से गुजरता है तो हमने उसको डायमीटर कहे, और डायमीटर जो होता है वो डायमीटर सर्कल को दो आधे आधे हिस्सों में यानी आधे दायरे में तकसीम कर देता है, आधा दायरा ऊपर आधा दायरा नीचे, तो इसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं, निस्प दायरा या आधा दायरा बोलते हैं जो डायमीटर के जरिए कुत्र के जरिए जो है बनता है। देखिए अगले पॉइंट में हम देखते हैं किस तरह से जो है दिए हुए निस्प कुत्र का दायरा बनाया जाता है। देखिए सपोज हमको एक दायरा बनाना है, एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। देखिए 4 सेंटीमीटर का अगर सर्कल हमको बनाना है तो सबसे पहले हमको जो है उसका सेंटर जो है डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज हमने एक सेंटर डिसाइड कर लिए ए, उसके बाद प्रकार के अंदर जो है हम 4 सेंटीमीटर का स्केल की मदद से जो है डिस्टेंस लेते हैं, और प्रकार की नोक को पॉइंट को जो है ए पर रखकर हम इस तरह से चारों तरफ या पूरी तरफ जो है वो सर्कल को या घुमा देते हैं। तो ये जो 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर जो सर्कल बनता है ये होता है 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल जिसका रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। हम जो है वो 4 सेंटीमीटर हो 5 सेंटीमीटर हो किसी भी पैमाइश का किसी भी मेजरमेंट का सर्कल जो है इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है वो सर्कल के बारे में जो है वो बेसिक चीजें जो देख लिया अबाउट द सेंटर, उसके बाद रेडियस, कॉर्ड्स, डायमीटर, उसके बाद हमने देख लिया सर्कमफेरेंस, ये सब बेसिक चीजें हैं। ये बेसिक चीजें जो है वो अगर बच्चों के दिमाग में क्लियर रहा आइडिया तो जो है आगे की स्टेप्स सर्कल के बारे में आगे की इंफॉर्मेशन समझना उनके लिए आसान जाता है। अब देखिए इसी के साथ साथ जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सर्कल जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनल पार्ट यानी अंदर का हिस्सा
और दूसरा एक्सटर्नल पार्ट यानी उसका बैरूनी हिस्सा, बाहर का हिस्सा। जो पॉइंट्स, जो चीजें जो है वो सर्कल के अंदर होती है उनको इंटरनल पॉइंट्स कहा जाता है, सपोज बी सी डी एटसेट्रा कोई भी हो सकती है। और जो सर्कल के बाहर के पार्ट है वो बैरूनी हिस्सा या एक्सटर्नल पार्ट कहलाता है, सपोज एफ जी एच। इस तरह से हमने जो है दो तीन पॉइंट जो है वो बाहर के हिस्से में ले लिए। तो सर्कल के दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इस तरह से कुछ बेसिक चीजें जो है हमने सर्कल के बारे में देख लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।